राजधानी पटना समेत कई जगहों पर झमाझम हुई बारिश, जानिए 10 सितंबर तक के मौसम का पूर्वानुमान। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। सितंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। आमतौर पर इस समय में कम बारिश होती है, लेकिन इस बार सामान्य से भी कम बारिश हुई है। उत्तर और दक्षिण बिहार दोनों ही क्षेत्रों में इस बार कुछ खास बारिश नहीं हुई है। बावजूद इसके प्रदेश की कई नदियां उफनाई हुई हैं। इसकी वजह है आसपास के राज्यों में वर्षा का अधिक होना। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण प्रदेश में कई जगहों पर बारिश देखने को मिली। झमाझम बारिश के कारण प्रदेश में कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति भी बन गई है। आज से लेकर 10 सितंबर तक लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई है। आज भी प्रदेश में पटना सहित कई जगहों पर झमाझम बारिश देखने को मिली है। बारिश होने से उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज और भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर व खगड़िया में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भागों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात की संभावना है। वहीं प्रदेश में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 4 से 5 दिनों में मौसम और तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं होंगे। अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 34 से 36 डिग्री और कुछ जगहों पर 32 से 34 डिग्री बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तो कुछ जगहों पर 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है। हालांकि आज प्रदेश में कई जगहों से अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश के मौसम की स्थिति जानने के बाद चलिए अब एक नज़र डालते हैं देश के मौसम की स्थिति पर। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात और दक्षिण पूर्व राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब के पश्चिमी भागों, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश संभव है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के कुछ हिस्सों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपके क्षेत्र में मौसम की क्या स्थिति है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।